इट इज योर एटीट्यूड विच डिसाइड योर अल्टीट्यूड। एटीट्यूड होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, एटीट्यूड होना चाहिए पुष्पा जैसा, झुकेगा नहीं किसी हाल के अंदर, कोई नहीं झुका सकता मेरे को। तेरे को रेस्पेक्ट चाहिए ना, पकड़ 100 रुपए, रेस्पेक्ट खरीद लेना। अपन तो ऐसे ही काम करेगा, रोकी बाई जैसा एटीट्यूड कि मेरे से लड़ाई लड़ेगी जीतूंगा तो मैं ही, तेरे को हराऊंगा हर हाल के अंदर। एटीट्यूड ये होता है, गांधी जी जैसा एटीट्यूड कि बदलेगा नहीं मैं, कितनी कोशिश कर लो। तुम गांधी को मार सकते हो, गांधीवाद को खत्म नहीं कर सकते। मैं अपने विचारों से कभी नहीं डिगूंगा। एटीट्यूड होना चाहिए श्री राम जैसा। माता ने बोल दिया कि बेटा तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो ठीक है मम्मी, 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। अभी अपने को बोल दे कि मम्मी एक दिन बाहर चला जा। क्यों चला जाऊं एक दिन बाहर, मेरे से नहीं जाया जाता, वनों के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। एटीट्यूड होता है व्यक्ति, करण का एटीट्यूड कि मांगने आ गया कोई व्यक्ति, लो कवच और कुंडल। ये एटीट्यूड है व्यक्ति का जो उनको महान बनाते हैं। और हमारे में एटीट्यूड नहीं है तो महान नहीं बन सकते हम लोग। एटीट्यूड होना चाहिए अपने अंदर कि मेरा जैसे पढ़ाई से रिलेटेड एटीट्यूड है तो मैं पढ़ता हूँ हर समय। और पूछो चीजें, खुद का कॉन्फिडेंस एटीट्यूड से आता है। एटीट्यूड होता है तभी व्यक्ति बड़ा बनता है कि मैं चपरासी बनने के लिए पैदा थोड़ी हुआ हूँ यहाँ पर। अरे चपरासी बनना ही था तो मेरे को पैदा ही क्यों किया, ठीक है ना। उससे बढ़िया तो मेरे को क्या करना, मैं अपने खेत में जाके काम कर लूंगा। तैयारी करने आया हूँ तो बड़ा अफसर बन के जाऊंगा यहाँ से। अफसर बनूंगा तो समाज में सम्मान रहेगा, और सम्मान नहीं है तो मेरे को नहीं जीना ऐसा जीवन। एटीट्यूड से व्यक्ति बड़ा बनता है। एक व्यक्ति सोचता है मैं यूनिकॉर्न बनूंगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के अंदर बनूंगा। स्टीव जॉब्स क्या थे, एटीट्यूड था, तब दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए, एप्पल जैसा ब्रांड बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट में एटीट्यूड था तो बिल गेट्स बड़े व्यक्ति बन गए। वे टेंडर मैन थे, पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे धीरूभाई अंबानी। एटीट्यूड है कि बड़ा व्यक्ति बनना है मेरे को, बड़ा व्यक्ति बनना है तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो किसी भी व्यक्ति में एटीट्यूड हो सकता है, इसलिए देखा करो एटीट्यूड। अभी करंट में देखा करो, शाहरुख खान इतनी बेहतरीन कोई शक्ल भी नहीं है, इतनी कोई बेहतरीन एक्टर भी नहीं है, लेकिन क्या है, एटीट्यूड है कि आई एम द बादशाह, कि मेरे बराबर कोई नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है मेरे से, वो एटीट्यूड है। सलमान खान का एक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड जनता को पसंद आता है और एटीट्यूड से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। एटीट्यूड नहीं है तो योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं है, एटीट्यूड नहीं है तो नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी में एटीट्यूड है तभी मन की बात कर देते हैं वो, उनके द्वारा बातें बोला जाना कि मेरे से बड़ा विचारक कोई नहीं है, ऐसी बातें बोली जाती है कि संत महात्मा बोल रहे हैं। वो बेसिकली है क्या, एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड उनको बड़ा बनाता है। हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि दूसरों में गलतियां निकालने का। तो हम लोग जब दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा, तो बेटा तुमसे तो ना ही हो पाएगा। झाड़ू निकालना दूसरों के घरों में जाके, ठीक है ना, या फिर बर्तन साफ करना, या फिर क्या कर देना कि बाहर चौकीदार बन के खड़े हो जाना। काम कुछ भी छोटा नहीं है, लेकिन आपको छोटा बनाता है समाज के अनुसार। हम लोग बोल सकते हैं, इथिकली बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये छोटे ही कामों के कैटेगरी के अंदर डाले जाते हैं। फिर कलेक्टर क्या है, फिर राजनेता क्या है, फिर बिजनेसमैन क्या है? तो वो बनने के लिए आए हैं कि हम लोग नॉर्मल कचरे की तरह जीवन जीने आए हैं? ऐसा देखने से क्या होगा, क्या बनने हैं हम लोग, बड़ा व्यक्ति बनने जाए, ये एटीट्यूड से बनेंगे। तो एटीट्यूड खतरनाक रखा करो, एक तो आलसी मत रहा करो, थोड़े से कड़क बन के रहा करो। एटीट्यूड है हमारा यार, रात को 3 बजे भी अपने को खड़ा कर दे कोई व्यक्ति, तब भी हम लोग एटीट्यूड के अंदर है कि बताओ क्या काम है, ये लो अभी जाके आया। अरे बाइक में तेल नहीं है, गाड़ी में पंचर हो गया टायर, कोई बात नहीं, मैं पैदल पैदल भाग के चीज ले आऊंगा। एटीट्यूड पान सिंह तोमर का कि साहब 5 मिनट नहीं, मैं तो 4.5 मिनट में पहुंच गया आइसक्रीम लेके, और पिघली भी नहीं है मैडम जी, बता देना साहब को। तो एटीट्यूड है, तब वो व्यक्ति महान है। एटीट्यूड महाराणा प्रताप का एटीट्यूड कि कुछ भी हो जाए घास की रोटी खा लेगा मेरा टापर, लेकिन उसके बाद भी मैं झुकेगा नहीं किसी भी हाल के अंदर। मेरी स्वतंत्रता संप्रभुता के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कि बढ़ना है तो बड़ा व्यक्ति बनना है, छोटे मोटों के लिए थोड़ी आए थे हम लोग। और छोटे मोटों के लिए ही जब हम लोग पैदा हुए थे, फिर हमारे में क्यों पैदा हुए हम लोग, कई बार क्वेश्चन खुद से ही कर लेना चाहिए अपने को। इसलिए बोला जाता है ना कि व्यक्ति बड़ा नहीं बनना तो उसको सवाल करने चाहिए खुद से। और जिस दिन हम लोग खुद से सवाल करने लग जाते हैं, उस दिन हमारे को रास्ता भी पता लग जाता है, क्योंकि हम लोग वास्तव में खुद के सवालों का जवाब देने के अंदर सक्षम हो जाते हैं। और जिस दिन सवाल जवाब में सक्षम हो गए, उस दिन वास्तव में हम लोग बड़े बनने की तरफ पहुंच जाते हैं। अदरवाइज बड़ा बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी बहुत नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े स्तरों पर पहुंच गए। कौन है उनका डिसाइडर,
एटीट्यूड है। एटीट्यूड का ये मतलब नहीं होता तनके खड़ा हूं मैं, एटीट्यूड दिखा रहा, बोल नहीं रहा। एटीट्यूड होता है वो बोलता है, एटीट्यूड होता है उसमें सॉफ्टनेस होती है, तनके फ्लेक्सिबिलिटी होती है मछली की तरह, ठीक है ना, ब्रूस ली की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एटीट्यूड है। तोंद फैला ली हम लोगों ने, ये एटीट्यूड में हूं मैं, बोलता नहीं हो जी भाई साहब क्या हाल चाल, मैं एटीट्यूड में हूँ, बोलता नहीं गड़े मिल तू, वो एटीट्यूड है। समझ में आ गया, एटीट्यूड ही व्यक्ति को बड़ा बनाता है। जैसे कि एटीट्यूड अपने को अलग अलग गेस्टर से एटीट्यूड का पता लगता है। जब रोनाल्डो गोल करता है तो उसके द्वारा एक एटीट्यूड दिखाया जाता है। सिद्धू मूसेवाला का गेस्टर उसका एटीट्यूड है कि थापी मारेगा और फिर ऐसे करेगा, ये एटीट्यूड है। शाहरुख खान के द्वारा ये एटीट्यूड है, थापी ठोकना किसी के द्वारा ये उसका एटीट्यूड है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा सवाल करना वो एटीट्यूड है, नरेंद्र मोदी के द्वारा सॉफ्ट बोला जाना उनका एटीट्यूड है। कई बार हमारे को लगता है ये बहुत ज्यादा घमंडी है, और वो जब सॉफ्ट बोलते हैं तो वहां पे उनका एटीट्यूड झलकता है, यार एटीट्यूड है बंदे के अंदर। ये होते हैं एटीट्यूड, होते हैं मायावती का एटीट्यूड कि बहन जी मायावती सीधे चलेगी, इसलिए एक कहां से उठी बेटी कहां क्या बन जाती है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है, एटीट्यूड ही तो दिखाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा जाना कि मेरे समाज से एकमात्र एमएलए राजस्थान में आता हूं फिर भी मैं मुख्यमंत्री बन गया, देखा जादू, ये उनका एटीट्यूड है कि कितने ही तुम धुरंधर राजनेता हो, बोलने के अंदर कितने भी बेहतरीन व्यक्ति हो, फिर भी सीएम तो मैं ही बनूंगा, ये उनका एटीट्यूड है। सचिन पायलट के द्वारा मना कर देना कि कांग्रेस पार्टी किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी कर लो तुम, बहुत सारी दुविधाएं आएगी, ठीक है ना, पांडवों के सामने भी आई थी, तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला, वो उनका एटीट्यूड है। और हर बड़े व्यक्ति में एटीट्यूड होता है, हमारे को जो चाहे उधर ही लुड़ा दे कि बेटा आज वीडियो बन जाओ कल तुम्हारे एस बन जाना, आए थे हरिभजन को ओढ़न लगे कपास, आए थे बड़ा लक्ष्य लेके आए थे हम लोग, कलेक्टर बनने आए थे, आरएएस बनने आए थे, किसमें पड़े हुए हैं, ये चपरासियों की नौकरियों के अंदर हम लोग पड़े हुए हैं, वीडियो बनने के अंदर हम लोग लगे हुए हैं, हो सकता है बड़ी नौकरियां हैं लेकिन बड़ा एटीट्यूड बड़ा व्यक्ति बना। आदेश कौन देगा, एसडीएम ही देगा, एसडीएम को कौन आदेश देगा, कलेक्टर ही आदेश देगा, और कलेक्टर को आदेश कौन देगा, मंत्री आदेश देगा, मंत्री को आदेश कौन देगा, बाबा जी आदेश देंगे, ठीक है, बाबा जी को आदेश कौन देगा, मन की शांति आदेश देगी, ठीक है ना, तो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए अपने को, तो ऐसे डेवलप करने की चीजें होती है, और डेवलप हो जाता है हमारे में तो आंसर राइटिंग तगड़ी आती है। एक खुद की जो चीजें आपके पास में उसके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पास में जो चीज है वही सर्वश्रेष्ठ चीज है, उस पर टेढ़ा है फिर भी एड़ा, यानी उसके अंदर एक एटीट्यूड है खतरनाक वाला कि झुकेगा नहीं किसी हाल के अंदर, एक खतरनाक स्थिति में 4 दिन नहीं नाऊ, मिराज दबा रहा है, मिराज का भी एटीट्यूड है, साहब क्या मांगता, मेरे को पुष्पा की गिनती कभी भी कम नहीं होती, वो एटीट्यूड है। तब हम लोगों को पसंद आती है यार एटीट्यूड है, उसी अंगूठा नहीं काटते, काटते हैं गला, वो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होते हैं, डिफरेंस करना सीखिए एटीट्यूड में, हमारे बड़ा चैप्टर एटीट्यूड का है अपने कोर्स के अंदर, हम लोग एटीट्यूड यार एटीट्यूड दिखा रहा है क्या, इसके ज्यादा एटीट्यूड है इसके अंदर, कोई एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड होता है आप किस प्रकार से बिहेव करते हो, कैसा असर्टिवनेस के साथ में बिहेव करते हो, जैसी बातचीत करते हो कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा घुल मिल के रहते हो, कैसा जिस चीजों को नकारते हो, किस प्रकार से किस चीजों को एक्सेप्ट करते हो, ये एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है हमारा एटीट्यूड, किसी चीजों को लेके क्या नजरिया है आपका, ठीक है, शासन प्रशासन के प्रति क्या नजरिया है, परिवार के प्रति क्या नजरिया है, मूल्यों के प्रति क्या नजरिया होता है, मनी के प्रति क्या नजरिया होता है, सोशल वेलफेयर के प्रति क्या नजरिया होता है, ये हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड अकड़ नहीं है कि बोल नहीं रहेगा दांत बीज रहे हैं, ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड ही कैटेगरी में नहीं आता है, इसे बुलशिट कुछ भी नहीं है, फालतू की चीजें होती है, और जिनके अंदर कुछ होता नहीं वो दांत बीचे बैठे रहते हैं, वो अकड़ के अंदर रहते हैं, तो काम करने वाला अकड़ेगा काम करेगा, काम करेगा वो अकड़ के थोड़ी बैठ रहेगा, वो मींडी को जुकाम जैसे होते हैं वो व्यक्ति, और यहाँ पे कौन होता है, शेर, शेर जंगल का राजा है क्योंकि एटीट्यूड है उसके अंदर, वो मानता है कि मैं राजा हूँ, बाकी औरों में एटीट्यूड नहीं है। शेर 20 घंटे सोता है लेकिन 4 घंटे जगता है, 4 घंटे जब जगता है तो वही जगता है, बाकी सारे के सारे सोने को भागते हैं, तो वैसा एटीट्यूड होता है कि मैं 20 घंटे सोऊंगा लेकिन जो 4 घंटे जगूंगा उसके अंदर मेरे बराबर कोई नहीं, जैसे होता है माँ के बराबर कोई नहीं,
वैसे जंगल के अंदर 4 घंटे शेर के बराबर कोई नहीं होता, दहाड़ लगती है तो सारों के दिल धड़कने लग जाते हैं। तो शेर 20 घंटे सोएगा, 4 घंटे जगेगा, फिर भी वो एटीट्यूड में रहेगा और 4 घंटे जंगल पे राज करेगा।